नबार्ड तो नबार्ड के अंदर ए का कंपोनेंट है और ई का कंपोनेंट है दो बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो प्री में भी अपने साथ हैं और मेंस के अंदर भी और प्री और मेन्स की जब मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर करंट अफेयर्स तो बच्चे चलो फोकस करते ही है जनरल अवेयरनेस का पार्ट भी है आपका प्रिलिम्स में एक स्कीम्स वाला कॉम्पोनेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको एक बात बताऊँ जो एग्रीकल्चर की स्कीम्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि अल्टीमेटली देखो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ए के अंदर या एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर हेल्प नहीं करेगा वो आपको ई के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा क्योंकि ई के जो टॉपिक्स हैं यार पॉवर्टी है हेल्थ है या वेरियस एरियाज हैं तो एग्रीकल्चर की स्कीम्स भी तो उन्हीं को टारगेट करती हैं है ना तो ईएसआई और एआरडी दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट ये जो है जो एग्रीकल्चर स्पेसिफिक स्कीम्स हैं या रूरल डेवलपमेंट स्पेसिफिक स्कीम्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगी तो यहाँ पे आपकी डबल तैयारी हो जाती है देखो आपके प्री के अंदर चालीस क्वेश्चन आने हैं ए के चालीस क्वेश्चन आने हैं ई के तो आप लेकर के चलो चार पाँच चार पाँच क्वेश्चन तो स्कीम्स में से मिनिमम है ज्यादा भी हो सकते हैं तो अल्टीमेटली दस बारह क्वेश्चन स्कीम्स में से आपके बड़े आराम से निकल जाते हैं और वो स्कीम्स आपको अच्छे से कवर यहाँ पर मैंने अब आपको करवानी है ठीक है तो ये पूरी की पूरी हम एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे जिसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर स्कीम्स है ये हम प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम ये सारी स्कीम्स को डिस्कस कर देंगे ठीक है एंड आपने इन स्कीम्स को अच्छे से बेटा कवर अप कर लेना है और ये जितनी भी स्कीम्स हैं ना ये मैं आपको यहाँ पर फटाफट से इनका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो करवाऊँगा इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू हैं वो हमारे एम सी क्यू कोर्स के अंदर कवर्ड है ठीक है एम सी क्यू कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है आ, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है आप इजीली उसको अफोर्ड कर सकते हो एंड फिर भी अगर अफोर्डेबिलिटी में कोई इशू आता है तो उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे मैं वीडियो के एंड में आपको अपनी सारी कांटेक्ट डिटेल्स दूंगा ज़रूर एंड अभी इंडिपेंडेंस डे निकला है तो मेरा मानना सिर्फ़ ये नहीं है कि सिर्फ पंद्रह अगस्त को आज़ादी बनाई जाए पूरे साल सेलिब्रेट करनी चाहिए तो जो इंडिपेंडेंस डे के अंदर हमने डिस्काउंट कोड शुरू किया था उसको हम कंटिन्यू करेंगे फ्रीडम सेवेंटी फाइव का बेटा कोड है ठीक है फ्रीडम सेवेंटी फाइव का कोड यूज़ करते हो तो अल्टीमेटली आपको सेवनटी फाइव परसेंट ऑफ मिलेगा तो अराउंड डेढ़ सौ रुपये का आपको ये कोर्स पड़ता है जिसमें दो हज़ार प्लस एम सी क्यूज़ हैं एग्रीकल्चर के डिटेल्ड ठीक है नॉन वीडियो तो प्लीज़ उसको एक्सप्लोर ज़रूर करें अब आ जाते हैं ये वापस हमारे लेक्चर पे तो इसके अंदर हमने बेटा क्या डिस्कस करने हैं ये सारे हमें टॉपिक्स देखने हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर रैशनल बिहाइंड द स्कीम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम जो है ये मेनली आपका मेंस पार्ट को अ, कवर करता है जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है इसके अंदर कई पॉइंट्स आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है लेकिन मेनली सब्जेक्टिव को कवर करता है और बाकी के जितने आपके पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे सो लेट अस क्विकली स्टार्ट तो सबसे पहले तो स्कीम क्यों चाहिए थी यार ऐसी स्कीम क्यों चाहिए थी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं एग्रीकल्चर के अंदर तो एक नई स्कीम की क्या जरूरत थी तो आपके पेपर के लिए थोड़ी ये स्कीम बनाई है कि पेपर में बच्चों को सवाल पूछेंगे तो क्या कहती है सरकार कहती है कि देखो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इंडिया के अंदर फिफ्टी के अराउंड हमारी पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर या एलाइड एक्टिविटीज यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज पे कनेक्टेड है 85 परसेंट जो हमारे यहाँ पर किसान है वो स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स हैं जिनके पास दो हेक्टेयर से भी कम लैंड है ठीक है और ये 80 परसेंट एट्टी फाइव परसेंट फार्मर्स अराउंड देश के 45 परसेंट एग्रीकल्चर लैंड को कंट्रोल करते हैं बिकॉज ऑफ द लैंड फ्रेगमेंटेशन गाइस एनुअल इनकम किसान की बहुत ज्यादा कम है और इसका एक कारण क्या है कि इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड है मार्केट की जो कनेक्टिविटी है किसान और मार्केट की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत लो है ठीक है और हमारे यहां पर वेस्टेज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पंद्रह से बीस परसेंट जो हमारी फसल है वो वेस्ट हो जाती है अगर आप बाकी की कंट्रीज देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर और ज्यादा डेवलप्ड है उनके मुकाबले अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर जो वेस्टेज है वो काफ़ी ज्यादा है वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर 15 से 20 है और ऑन एन एवरेज 5 से 10 परसेंट और अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर चले जाओ चाइना यूएस जैसी कंट्रीज के अंदर चले जाओ वहाँ पर आपको बहुत कम वेस्टेज जो है वो देखने को मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखो वेस्टेज वगैरह तो कम उसी से होगा ना जब आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा अभी तो क्या होता है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपका खाना जो है वो सड़ जाता है आपका यील्ड जो है वो सड़ जाता है और इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम रही है एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप पिछले पाँच साल में देखते हो तो एग्रीकल्चर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो दो के रेट से भी नहीं हुई ठीक है दो के रेट से भी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर नहीं हुई है तो ये एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है अब इस स्कीम ऑब्जेक्टिव क्या है अपने, अपने को प्रॉब्लम तो समझ आ गई अब ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव डिफरेंट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑब्जेक्टिव है वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी सबसे पहले किसान देखो किसान अगर एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा बेटर मंडी स्ट्रक्चर होंगे बेटर मार्केट्स होंगी तो किसान को मिडल मैन के ऊपर डेवलप नहीं रहना पड़ेगा वो डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच सकेगा अभी तो उसको मिडल मैन के ऊपर डेवलप रहना पड़ता है क्योंकि एक छोटे किसान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं उसके पास ऐसा कोई वेयर हाउस या कोई स्टोर हाउस या कोल्ड स्टोरेज उसको मिल नहीं रहा है अल्टीमेटली वो मिडल मैन को बेच करके अपना रिस्क जो है वो कम करना चाहता है कि चलो यार वेस्ट करने से तो खराब हो जाने से तो सड़ने से तो बेहतर ही है तो वो डायरेक्टली बेच पाएगा कंज्यूमर को क्योंकि उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी होगी उसके पास बेटर फाइनेंसिस भी अवेलेबल होंगे उसके पास डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी होगी कस्टमर के साथ ठीक है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जब इन्वेस्टमेंट होगी तो वो मार्केट में डायरेक्टली बेचेगा और अपने पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी कम कर लेगा मॉडर्न पैकेजिंग एंड कोल्ड स्टोरेज सिस्टम आ जाएगा ठीक है और कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स के अंदर भी एक अच्छा काम होगा अब देखो इंडिया के अंदर क्या है कि यार हम कहते हैं लैंड फ्रेगमेंटेशन है लैंड का साइज बड़ा छोटा है ऑन एन एवरेज तो अल्टीमेटली उस छोटे लैंड साइज़ के अंदर एक इंडिविजुअल फार्मर को आप ये नहीं बोल सकते कि यार तू मॉडर्न इंप्लीमेंट्स खरीद ले तू एक ट्रैक्टर खरीद ले तू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा ले ठीक है उसके बाद तू पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए स्टबल ताकि बर्न ना हो तू हैप्पी सीडर जैसे मशीन्स का यूज़ करने के लिए उसको खरीद ले किसान कहेगा इतना तो मैंने कमाना नहीं जितने की तूने मशीनें गिनवा दी तो कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स में क्या होता है कि बहुत सारे किसान मिलकर के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गई या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टाइप ऑर्गेनाइजेशन हो गई वो मिल करके जो है कम्युनिटी एसेट्स परचेज करेंगे जिसको फार्मर जो है बहुत ही मिनिमल रेंट के ऊपर जब उसको यूज करना होगा तब उसको यूज कर पाएगा तो वो भी तो तभी बिल्डअप होगा ना जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होगा सरकार के लिए क्या इसमें ऑब्जेक्टिव है अब देखो सरकार ने एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर डाला हुआ है लेकिन बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अनवायबल हैं जो मुश्किल है कर पाना लेकिन सरकार जब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर से जो पैसा निकालेगी तो उसके थ्रू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी बेटर जो है काम करेगा जो सरकार कब से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग चला रही है सरकार के लिए भी देखो कितना अच्छा होगा जब नेशनल फूड वेस्टेज वो कम होगा अभी जब हम डब्ल्यू वगैरह में जाते हैं ना डब्ल्यू टी में आप जानते हो कि इंडिया अड़ जाता है कि यार नहीं हम अपने एग्रीकल्चर पर सब्सिडी वगैरह नहीं हटाएंगे ठीक है इंडिया कहता है कि नहीं हमको अपने फार्मर को सिक्योर करना है हमें हमारी फूड सिक्योरिटी एश्योर करनी है तो बाहर वाले लोग हम पे इल्ज़ाम ये लगाते हैं और कहीं ना कहीं वो एक सही इल्जाम भी है कहते हैं कि आप जो इतना सब्सिडी देते हो और ये फूड सिक्योरिटी और ये सब आप बोलते हो अल्टीमेटली आपके यहाँ पर तो फूड वेस्टेज सबसे ज्यादा होता है दुनिया के अंदर आपके यहाँ पर बफर के अंदर पड़ा पड़ा सड़ जाता है जो फूड है तो अल्टीमेटली आप तो सिर्फ वेस्टेज के अंदर रिजल्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो तो जब वो कम होगा तो इंडिया का एक स्टैंड जो है पूरी दुनिया के सामने भी स्ट्रांग होगा कि भैया वेस्टेज हमारी कम है ठीक है उसके बाद एग्री एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एंटरप्रेन्योर्स आने चाहते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनोवेशन आएगा एग्रीकल्चर में तो नई ऑपर्चुनिटीज क्रिएट होंगी एंटरप्रेन्योर और फार्मर्स जो है वो बेटर कनेक्ट कर पाएंगे बेटर कोलेबोरेट कर पाएंगे ठीक है जी उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव फॉर बैंक है फॉर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है ठीक है अब देखो जब क्रेडिट गारंटी होगा सरकार इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के थ्रू क्रेडिट गारंटी भी दे रही है इंटरेस्ट सबवेंशन भी दे रही है इंसेंटिव भी दे रही है फार्मर को तो जो ब्याज पे पैसा देने वाला इंस्टीट्यूट है उसको लगेगा कि यहाँ यार मेरा पैसा डूबने के आसार कम है क्योंकि सरकार की क्रेडिट गारंटी है प्री फाइनेंस फैसिलिटी का ऑप्शन भी है कॉपरेटिव बैंक और आर के थ्रू तो वो भी एक बेटर ऑप्शन बन जाएगा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है ना कि उसको क्वालिटी और प्राइसेस बढ़िया मिलेंगे अभी जैसे अपने आप पर प्राइसेस की बड़ी ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है कभी प्याज के रेट सौ रुपए किलो हो गए या उसको भी क्रॉस कर गए तो ये सारी चीजें कम होंगी बेटर स्टोरेज होगी ठीक है जब बेटर स्टोरेज होगी तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं होगा कि एकदम से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और सप्लाई नहीं है जब भी ऐसा होगा सरकार फटाफट से वेयर हाउस में से निकाल करके मार्केट में डाल देगी और प्राइस अपने आप स्टेबलाइज हो जाएगा बेटर क्वालिटी रहेगी क्योंकि बेटर स्टोरेज है अपने आप बेटर क्वालिटी होगी और क्योंकि फार्मर और कंज्यूमर को भी हम डायरेक्टली कनेक्ट करवाने की बात कर रहे हैं तो मिडलमैन हट गया तो मिडल मैन हट गया तो वो वाले खर्चे भी हट गए वो वाले खर्चे भी हट गए तो फिर अपना जो कंज्यूमर है उसके लिए सस्ता हो गया ठीक है तो ये सारी बातें तो थी जो आपको ज्यादा सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर काम आएंगी अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट की ये नबार्ड आईबीपीएससी एफ या कोई भी आप एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी इंप्लीमेंटेशन पीरियड की बात करते हैं सबसे पहले तो ये स्कीम कब से कब से लेके तक लागू होगी एग्रीकल्चर फंड तो ये जो स्कीम है ये 2020-21 में शुरू होकर के 2032-33 में खत्म होगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा याद कर लेना डायरेक्टली वो आपसे स्टार्ट डेट भी पूछ सकता है एंड डेट भी पूछ सकता है दोनों भी पूछ सकता है एक्स और वाई करके ठीक है जी एंड इसके अंदर देखो स्कीम तो ये बीस इक्कीस से बत्तीस तैतीस तक चलेगी लेकिन जो इस एक लाख करोड़ के जो फंड के अंदर जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो लोन दिए जाएंगे इस फंड के थ्रू वो छह साल के अंदर अंदर, अंदर कंप्लीट करने हैं ठीक है थीके? तो छह साल के अंदर कैसे कंप्लीट करने हैं टोटल अपने पास है एक लाख करोड़ ठीक है जी तो फाइनेंशियल ईयर बीस इक्कीस में प्रोजेक्ट अमाउंटिंग टू ऑल राइट प्रोजेक्ट्स अमाउंटिंग टू फोर थाउजेंड करोड़ सेंशन तो बीस इक्कीस में चार हजार करोड़ अपन ने निकाल दिए उसके अलावा बचे करोड़ अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे करोड़, और और हो करोड़, हो करोड़, करोड़, तो करोड़ तो ये हो गए और आने वाले चार सालों में हर साल में बीस हजार करोड़ जो है वो दिए जाएंगे दो हजार से लेकर के दो हजार तक तो छह सालों के अंदर अंदर लोन डिसबर्समेंट जो है वो कर दिया जाएगा अब जो रीपेमेंट पीरियड है जो इस फाइनेंसिंग फैसिलिटी के अंदर जो रीपेमेंट पीरियड है वो मैक्सिमम पीरियड होगा सेवन इयर्स का और इसके अंदर मॉरिटोरियम पीरियड होगा दो साल का मॉरिटोरियम पीरियड होता है वो पीरियड जिस समय में आ, जिसने लोन लिया है उसको इंटरेस्ट वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो दो साल का मॉरिटोरियम पीरियड ये सात साल के अंदर इंक्लूडेड है तो अगर कोई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर पैसा ले रहा है तो उसको सात साल के अंदर अंदर जो लोन है वो चुकाना है अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर जो भी लोन दिए जाएंगे उस पर इंटरेस्ट सबवेंशन होगा इंटरेस्ट सबवेंशन होता है एक तरह का डिस्काउंट ठीक है एक तरह का डिस्काउंट कि यार फॉर एग्जांपल मैंने हजार रुपए लिए तो हजार रुपए फॉर एग्जांपल नौ परसेंट ब्याज लगना है तो इंटरेस्ट सबवेंशन में क्या हो गया है? कि मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया कि नौ की जगह तू तो मेरे को छह परसेंट ब्याज दे दे तो यहां पर तीन परसेंट पर एनम का आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है यानी कि डिस्काउंट मिलता है ब्याज के ऊपर ठीक है लेकिन ये सिर्फ उन लोन्स के लिए है जो दो करोड़ से नीचे के हैं दो करोड़ से नीचे के लोन्स पे आपको तीन परसेंट का इंटरेस्ट सबेंशन मिलता है ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट में से क्वेश्चन बनता है हर पॉइंट में से इंटरेस्ट सबेंशन पूछ लेगा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर कितना इंटरेस्ट सबेंशन दिया जाता है इस तरीके से पूछ लेगा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर ना तीन परसेंट का इंटरेस्ट सबवेंशन का फैसिलिटी है लेकिन कितनी लिमिट के लोन तक वो तीन परसेंट का इंटरेस्ट सबवेंशन का फैसिलिटी आपको मिलता है तो वो भी एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका बन करके आ सकता है ओके और ये सबवेंशन भी सात साल के लिए अवेलेबल होगा जितने साल में आपको लोन चुकाना है ठीक है अब जहां पर दो करोड़ से ज्यादा का लोन है उस केस में क्या होगा इंटरेस्ट सबवेंशन दो करोड़ तक ही आपको मिलेगा फॉर एग्जाम्पल आपने पांच करोड़ का लोन लिया फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर से जो लोन लिया फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर ब्याज लगता है नौ परसेंट का ठीक है तो पांच करोड़ में अब दो करोड़ पे तो सरकार कह रही है कि तेरे को तीन परसेंट का डिस्काउंट देंगे यानी कि जो दो पांच में से दो करोड़ है इसके ऊपर जो आपका ब्याज लगेगा वो लगेगा कितना नौ माइनस तीन छह परसेंट का और बाकी के तीन करोड़ पे आपका जो ब्याज लगेगा वो लगेगा पूरे नौ परसेंट का यानी कि इंटरेस्ट सबेंशन सिर्फ आपको दो करोड़ तक में ही मिलेगा द एक्सटेंट एंड परसेंटेज ऑफ फंडिंग टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आउट ऑफ द टोटल फाइनेंसिंग फैसिलिटी में एक नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई गई है ऐसा ना हो ना कि सारे का सारा जो एक लाख करोड़ पैसा है वो सिर्फ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या कुछ सेलेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स के पास चला गया ठीक है तो इसके लिए नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी को बोल दिया गया कि आप लिमिट वगैरह सेट कर दो कि कितना पैसा जो है टोटल में से प्राइवेट एक्स्ट्रा को एज अ लोन दिया जा सकता है नेक्स्ट आ जाता है 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 जी क्रेडिट क्रेडिट गारंटी गारंटी कॉस्ट ठीक कवरेज जो इट विल बी अवेलेबल फॉर एलिजिबल बोरोअर्स फ्रॉम दिस फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम फॉर अ लोन अप टू टू करोड़ ठीक है 2 तो दो करोड़ तक के अगर लोन है तो आपका ना एक सी जी टी एम एस सी स्कीम पुरानी स्कीम है जो क्रेडिट गारंटी एंड फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज इसको बोलते हैं तो उसके अंदर दो करोड़ तक के अगर लोन है तो उसके लिए आपको ये कवरेज भी प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंदर बेसिकली क्या होता है एक तरह की बैंक को सिक्योरिटी मिल जाती है कि कल को अगर बंदा पैसे ना पे कर पाया तो उसके पास एक तरह की गारंटी आ जाती है ठीक है एक तरह से आप ये लगा लो कि सरकार किसान के बिहाफ पे या एक इंडिविजुअल के बिहाफ पे बैंक को गारंटी दे रही है कि कल को अगर बैंक का पैसा डूबा तो हम पे करेंगे ठीक है और इसके लिए सरकार किसान से या जिसको लोन दिया जा रहा है उससे किसी तरह का पैसा भी नहीं लेगी इसके अंदर भी ये लिमिट दो करोड़ तक की है ये याद रखना अब वेरियस प्रोजेक्ट्स जो एलिजिबल हैं जो लोन ले सकते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि सप्लाई चेन सर्विसेज हैं ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म वेयर हाउसेज सिलोज बनाने हैं जिसके अंदर आप जो चारा है लाइफ स्टॉक के लिए उसको सेव करके रखते हो लीन सीजन के लिए पैक हाउसेज हो गए एसेइंग यूनिट्स हो गई ये सब बेसिकली पोस्ट हार्वेस्ट की आइटम्स हैं सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग हो गया कोल्ड चेन लॉजिस्टिक फैसिलिटी प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर रिपनिंग चैम्बर जहाँ पर बेसिकली जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको रिपन करने के लिए रिपनिंग चैम्बर्स का यूज किया जाता है ठीक है उसके बाद कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स अगर आप बिल्ड कर रहे हो जैसे कि ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन जिससे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज्यादा प्रमोट कर सको बायोस्ट्यूमिलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट एंड प्रसिजन एग्रीकल्चर जैसे कि आपका ड्रिप इरीगेशन स्प्रिंकलर इरीगेशन ठीक है लिमिटेड वे में पेस्टिसाइड यूज वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी अब बेनिफिशरीज कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन जाकर के इस फंड के अंदर से पैसा ले सकता है ठीक है तो कोई भी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी ओके उसको पैसा दिया जा सकता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही इसको पैसा देंगे लोन देंगे मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसाइटीज़ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप इंडिविजुअल फार्मर जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप मल्टीपल पर्पज कॉपरेटिव सोसाइटी जिसको आप एम कहते हो एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स तो ये थोड़ी सी लिस्ट याद रखना जरूर क्योंकि इसके अंदर से वो पूछ सकता है कि यार एक लाख करोड़ का जो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है इसके अंदर एलिजिबल बेनिफिशरीज कौन से कौन से हैं ठीक है उसके बाद स्टार्टअप एंड सेंट्रल स्टेट एजेंसी और लोकल बॉडी स्पॉन्सर्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट ठीक है तो इसके अंदर देखो स्टार्टअप भी आ जाएंगे सेंट्रल और स्टेट एजेंसी भी आ जाएगी अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई विभाग है वो भी इसके अंदर पैसा ले सकता है लोकल बॉडी ने अगर किसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया है वो भी आ जाएगा स्टेट एजेंसी जो आपकी एग्रीकल्चर मंडीज है एपीएमसी जिसको आप बोलते हो नेशनल एंड स्टेट फेडरेशन ऑफ कॉपरेटिव कॉपरेटिव हाउस आगे एफ पीओ के फेडरेशन फेडरेशन बेसिकली क्या होता है कॉपरेटिव का फेडरेशन या एफ पी ओ का फेडरेशन जैसे एक एफ पी ओ ए है एक बी है एक सी है ये आपस में मिलकर के एक टीम बना लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी की तो इसको हम क्या बोलते हैं फेडरेशन बोलते हैं है, है ना एपीएमसी ऑपरेटिंग रेगुलेटेड मार्केट्स फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइट सेक्टर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग फिशरीज वो भी एलिजिबल होगा टैक्स हु हैव एडोप्टेड डिजिटाइजेशन फॉर हैंडलिंग इट्स ऑपरेशन उनको प्रेफरेंस दी जाएगी ताकि जो ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज है इसके अंदर एक डिजिटलाइजेशन को भी सरकार प्रमोट करना चाहती है तो इसलिए सरकार ने पॉइंट डाल दिया कि जो पैक डिजिटलाइज हो चुके हैं जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी डिजिटलाइज हो चुकी है उसको हम पैसा देने में लोन देने में जो है प्रायोरिटाइज करेंगे ठीक है अब प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं देखो अब इंटरेस्ट सबेंशन हमने कहा कि दो करोड़ के लोन तक आपको देंगे आप कोई एक प्रोजेक्ट लगा रहे हो उसके लिए आपको हम इंटरेस्ट सबेंशन दे देंगे दो करोड़ का ठीक है अब अगर आप कहते हो कि यार हम एक ही जगह पे एक से ज्यादा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो क्या आपको इंटरेस्ट सबेंशन मिलेगा बिल्कुल मिलेगा अगर आपका जो मल्टीपल प्रोजेक्ट है एक ही लोकेशन में है और वो टोटल मिलाकर के दो करोड़ से कम हो रहा है ठीक है टोटल मिलाकर के आपका जो लोन है दो करोड़ से कम है तब भी आपको इंटरेस्ट सबेंशन दे देंगे नहीं कहेंगे कि आपके अलग अलग प्रोजेक्ट हैं तो नहीं देंगे अब अगर ऐसा हुआ कि एक कोई एलिजिबल एंटिटी है ठीक है वो अलग अलग लोकेशन में प्रोजेक्ट्स को लगाती है तो उसको भी हम लोन दे देंगे और उसको भी हम इंटरेस्ट सबेंशन दे देंगे लेकिन अगेन उसका जो लोन है वो दो करोड़ से नीचे का होना चाहिए तभी उसको तीन का इंटरेस्ट सबेंशन मिलेगा अब कोई लेकिन प्राइवेट सेक्टर एंटिटी है ठीक है जैसे फार्मर हो गया या एंटरप्रेन्योर हो गया स्टार्टअप हो गया ठीक है इनके लिए आप हमने कहा कि ठीक है यार तुम एक से ज्यादा प्रोजेक्ट लगा सकते हो बट ऐसा भी नहीं है ना कि वो पचास प्रोजेक्ट लगा दे सौ लगा दे यहां पर हमने बोल दिया कि अगर आपको इस स्कीम के अंदर एलिजिबल होना है तो मैक्सिमम आप 25 इस तरह के प्रोजेक्ट लगा सकते हो उससे ज्यादा नहीं ठीक है तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसा अगर ए, ए, एक प्रोजेक्ट के लिए मिला है तो सिर्फ उसी पे आपको इंटरेस्ट सबमेंशन मिलेगा उसी के अंदर सारी फैसिलिटी मिलेगी जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के अंदर है नहीं आप 25 प्रोजेक्ट तक जितने मर्जी लगाओ कोई सरकार को दिक्कत नहीं है लेकिन वैल्यू दो करोड़ से कम पे ही आपको इंटरेस्ट सबमेंशन मिलेगा ओके दिस लिमिटेशन ऑफ ट्वेंटी फाइव प्रोजेक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल अब ये इसके ऊपर कोई वो एग्जैम्पन्स भी है जैसे स्टेट एजेंसी हो गई कॉपरेटिव हो गए ठीक है नेशनल एंड स्टेट फेडरेशन ऑफ कॉपरेटिव हो गए जिसको संघ बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के फेडरेशन हो गए एस हो गए इनके ऊपर ये 25 प्रोजेक्ट वाली लिमिट नहीं है वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है पेपर में पूछे जाने के चांसेस कम है अब इंस्टीट्यूट कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा जितने भी आपके शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं शेड्यूल्ड कॉपरेटिव बैंक्स हैं आपके आर आर बीज भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन वो क्वेश्चन के अंदर आर आर बीज में ही क्रिएट करने की कोशिश करता है बच्चों को पता नहीं चलता है कि आर आर बीज पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टिसिपेट करेंगे एन बी एफ सी भी पार्टिसिपेट करेंगे ठीक है उसके बाद आपका नेशनल कॉपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिसको आप एनसीडीसी बोलते हो वो भी पार्टिसिपेट करेगा ठीक है मतलब ये इंडिविजुअल बैंक के ऊपर चॉइस है उनके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है right, और जो इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करना करना चाहता है उसको पहले एक साइन पड़ेगा नबार्ड का फिर अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद ही वो पार्टिसिपेट इस स्कीम के अंडर कर सकते हैं अब मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क भी है इसका तो मॉनिटरिंग करने के लिए कि स्कीम सब कुछ ठीक से चल रहा है तो तीन लेवल्स के ऊपर नेशनल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है ताकि इफेक्टिवली इसको मॉनिटर किया जा सके और कोई कमियां हो स्कीम में तो उसको इम्प्रूव किया जा सके ठीक है जी और जितने भी एसेट इस फाइनेंशियल फैसिलिटी या इस स्कीम के अंडर क्रिएट होंगे उनको सबको जियो टैग किया जाएगा और जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी है या जो लैंडिंग एंटिटीज़ हैं वो देखेंगी कि इन्फॉर्मेशन टाइमली अपडेट हो जो भी एसेट क्रिएट हो रहा है उसको जियो टैग किया जा सके तभी तो पता चलेगा कि स्कीम ने कुछ फ़ायदा किया भी या नहीं कि एक लाख करोड़ रुपए ऐसे ही उड़ा दिया हमने ठीक है अब जो ये नेशनल लेवल की मॉनिटरिंग कमेटी है इसके अंदर जो है मेंबर्स होंगे और एक चेयरमैन होगा चेयरमैन इसका कौन होगा जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का सेक्रेटरी होता है ना वो इसका चेयरमैन होगा बाकी के मेंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है भूल जाओ सिर्फ चेयरमैन याद कर लेना सफिशियंट है सिमिलरली जो स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है उसका चेयरमैन कौन होगा जो स्टेट का चीफ सेक्रेटरी होता है ये हर स्टेट में ना एक चीफ सेक्रेटरी होता है तो चीफ सेक्रेटरी जो है वो उसका चेयरमैन होगा और बाकी के मेंबर कौन है अगेन भूल जाओ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है याद करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है कोई नहीं पूछने वाला डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी के अंदर अगेन चेयरमैन कौन होगा जो डीसी होता है जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हो वो चेयरमैन होता है बाकी के मेंबर को याद करने की कोई जरूरत नहीं है भूल जाओ ठीक है तो तीनों के चेयरमैन याद रख लेने हैं सबसे पहले नेशनल लेवल पे कौन है सेक्रेटरी है जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का वो चेयरमैन है स्टेट लेवल के ऊपर जो स्टेट का चीफ सेक्रेटरी है वो चेयरमैन है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है डीसी है वो चेयरमैन है चलो जी और इसके साथ दोस्तों हमारा अंत होता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्कीम का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको लगे कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालें ठीक है ताकि मेरी नॉलेज में भी ऐसा मैं क्लेम नहीं करूँगा कि हंड्रेड परसेंट सब पॉइंट्स कवर हो गए लेकिन अपनी कोशिश पूरी की है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपके कवर हो जाएं जो एग्जाम स्पेसिफिक हैं लेकिन फिर भी कोई पॉइंट मिस हो गया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें एंड टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें पी डी पर आपके साथ शेयर हो जाएगा एंड uh, दोस्तों आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर आप मेल कर सकते हो आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है मुझे ज्वाइन uh, करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हो तो मल्टीपल रूट्स हैं आपके मेरे से कॉन्टैक्ट uh, में आने के तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर भी जरूर करना है लाइक भी जरूर करना है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय